जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ओपन स्टडी। मैं अनिल जाधव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। ये क्विक वोकैब सीरीज की सातवीं क्लास है और आज के इस छोटे से वीडियो में मैं फिर से वही 5 से 10 मिनट का वीडियो, 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो हम लोग नहीं होने देते हैं। और इस छोटे से वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों को एक छोटी सी वोकैब डोज मिलती है हर रोज सुबह 6 बजे। और ये वोकैब डोज जो होती है ये बिल्कुल हाईली एग्जाम ओरिएंटेड, ये कोई फालतू की वोकैबुलरी नहीं। और इस वोकैब सीरीज को स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अगर कोई अदर काम कर रहे हो तो आप उस काम के साथ साथ उस टाइम को यूज कर सकते हैं एक छोटा सा वीडियो देख करके। जैसे अगर आप कुछ भी छोटा मोटा ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके हाथ बिजी हैं लेकिन आपकी आंखें बिजी नहीं है और कान बिजी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मात्र 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर दो, आपको एक छोटी सी वोकैब डोज बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने दो मिनट आपके बर्बाद कर दिए, चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। शेयर करना हो तो पूरी प्लेलिस्ट शेयर करना, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्सक्राइब कर लेना और ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कमेंट करके आखिरी में जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा। चलिए, यहां पर क्या मिलेंगे आपको, 3 वर्ड मिलेंगे आज के छोटे से वीडियो में, 25 से भी ज्यादा वोकैबुलरी आपको मिलेगी। कैसे जरा देख लेते हैं, 3 वर्ड लिखे हैं, एक है एब्रीविएट, एक है एबेटर और एक है एब्लेज। यहां पर ये तीनों वर्ड को जरा समझ लेते हैं, साथ के साथ आपको हिंदी मीनिंग भी मिलेगा और उसके एक दो सिनोनिम भी मिलेंगे। जैसे एब्रीविएट की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। मैंने कहा कोई बड़ी चीज है, विस्तृत है, बड़ी है, उसको छोटा करना है, तो इसका मतलब है किसी चीज को शॉर्टन करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना। हिंदी मीनिंग भी आपको मिल जा रहा है और यहां पर शॉर्टन ये भी आपकी वर्ब है और ये भी आपकी, ये भी वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ये भी वर्ब की तरह। ठीक है, तो एब्रीविएट आप लोग भी जानते हैं, एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्त करना किसी चीज को छोटा करना, कम करना, घटाना, ठीक है, उसको कहते हैं एब्रीविएट करना, शॉर्टन करना। ठीक है, अब आ जाते हैं एबेटर। देखो एबेटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अकम्प्लिस। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बड़ी बार पूछा गया है। अकम्प्लिस, एक ऐसा व्यक्ति, वन हु असिस्ट इन अ क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी क्राइम में किसी की सहायता करता है, मदद करता है, अपराध में देने वाला साथी, किसी अपराध में साथ देने वाला जो साथी होता है उसको कहा जाता है अकॉम्प्लिस। ठीक है, तो याद रखना ये वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एबेटर का मतलब भी सेम यही होता है, ठीक है, पार्टनर इन क्राइम, असिस्टेंट इन क्राइम, किसी भी क्राइम में जो साथ देने वाला व्यक्ति होता ना उसको कहा जाता है अकॉम्प्लिस। 1 वर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है, एबेटर हो जाएगा। SSC के सारे एग्जामिनेशन को ये वोकैब सीरीज कंप्लीट करेगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब्लेज का मतलब क्या होता है, फ्यूरियस, जानते हो क्या होता है, ये होता है उत्तेजित, मतलब एकदम एक्साइटेड, आई एम फ्यूरियस नाउ, फास्ट एंड फ्यूरियस सुना है आपने, वही होता है। फ्यूरियस का मतलब होता है उत्तेजित, एकदम खुंकार टाइप का व्यक्ति, उसको कहा जाता है अब्लेज। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, कैसे, एडजेक्टिव की तरह, और ये क्या है, ये आपका नाउन होता है, ठीक है, ये आपकी वर्ब हो गई। 3 वर्ड आप लोगों को मिल गए, 3 इसके सिनोनिम मिल गए और इसका हिंदी मीनिंग, कहने का मतलब 6 वर्ड आपको एक स्लाइड में मिल जाते हैं। आगे चलते हैं एब्ल्यूशन, और एक है एब्नेगेशन, एक है एबोर्ट। देखो जरा, एब्ल्यूशन का मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, यहां पर लिखा है वॉशिंग, मतलब वॉश करना, किसी चीज को धुलना, जैसे जाते हो आप नदी में डुबकी लगाते हो अपने पाप धुलते हो ना, ऐसे ही होता है। वॉशिंग मतलब किसी चीज को स्नान करना, ये वॉश, ये तो जेरंड है, यहां पर नाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक है, ठीक है, नाउन की तरह, मतलब किसी भी चीज को साफ करना, धुलना, नहाना, स्नान, ठीक है, ये होता है। एक्शन की बात नहीं करना, एक्शन की बात नहीं कर रहा, वो वॉश होता है, वॉश का मतलब होता है स्नान करना या धुलना, लेकिन ये होता है स्नान, ठीक है। ऐसे ही एब्ल्यूशन का मतलब होता है स्पेशली अपने आप को पवित्र करना होता है, किसी भी पानी वानी के किसी सोर्स में डुबकी लगा करके जो नहाते हो ना आप लोग, वही एब्ल्यूशन होता है। जब आप गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हो, अपने पापों का क्या करते हो, ठीक है, पापों को जब धुलते हो डुबकी लगा के, वो एब्ल्यूशन होता है, पवित्र स्नान जिसको कहा जाता है, स्पेशली याद रखना, ये 1 वर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है, पवित्र स्नान इसको कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को पवित्र स्नान कराया जाता है कि इसको तो नहलाना पड़ेगा, जैसे मान लो कई बार डेथ वेथ हो जाती है, मतलब कई सारे, मतलब ऐसे वो होते हैं, शकुन होते हैं, वहां पर एब्ल्यूशन किया जाता है, किसी को पवित्र स्नान कराया जाता है कि चलो इसको गंगा जी के पानी से नहला देते हैं, ठीक है, ये हिंदू धर्म में होता है। एब्नेगेशन क्या होता है जरा समझ लेते हैं, डेनियल जानते हो क्या होता है, ये होता है अस्वीकार, ठीक है, अस्वीकार, नाउन की तरह, मैंने कहा इसका जो बिहेवियर है ना वो कैसा है, डेनियल है,
डेनियल बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, ऐसे करके बोल देते हैं, मतलब अस्वीकार टाइप का जो है इसका बिहेवियर है। इसका मतलब है एबनेगेशन, ये भी आप लोगों का नाउन की तरह यूज किया जाता है, समझ रहे हो, यहां पर नाउन की तरह यूज किया गया है। डेनियल भी आप लोगों का क्या है, फिलहाल तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन आप इसको इसको नाउन की तरह यूज करोगे, ये आपका कैसे हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब एक तरीके से कोई किसी का बिहेवियर है, अगर आप उसको पानी के लिए भी पूछोगे मना कर देगा, कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछोगे मना कर देगा, तो ऐसा बिहेवियर जो होता है उसको डेनियल बिहेवियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेनियल। इसका बिहेवियर जो है वो कैसा, डेनियल है। ठीक है, डिनाई करता रहता है हमेशा, डिनाई से बना है डेनियल। डिनाई मतलब होता है, ये वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकार करना, मना कर देना, और डेनियल एडजेक्टिव हो जाएगा। एबनेगेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अबोर्ड की तरफ चलते, देखो अबोर्ड का मतलब होता है मेरे भाई साहब ड्वेलिंग, जानते हो क्या होता है ड्वेलिंग, घर। ड्वेलिंग मतलब होता है घर, अबोर्ड, अबोर्ड जानते हो, जहां पर हम लोग रहते हैं, एक आवाज जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अबोर्ड हो जाएगा, ड्वेलिंग मतलब घर हो जाएगा। तो यहां पर तीन वर्ड उसके सिनोनिम और हिंदी मीनिंग आपको पता चल गया, अबोर्ड, मिशन अबोर्ड, मिशन अबोर्ड आपने सुना होगा कई बार, चलो भाई मिशन को अबोर्ड करते हैं, अबोर्ड करते हैं मतलब मिशन को बंद कर देते हैं। मैंने कहा अब मिशन को यहीं पर रोक देते हैं, तो बीच में रोकना अबोर्ड होता है, एंड करना, खत्म करना, बंद कर देना। अब्रोगेट को आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अब्रोगेट में मैंने कितनी बार आप लोगों को ट्रिक बताई है, अब रो गेट, भाई साहब अब रो गेट, समझ रहे हो। अब्रोगेट को कैसे याद करोगे, अब्रोगेट का मतलब होता है रिपेल करना या कैंसल आउट करना। ठीक है, कैंसल करना, कैंसिल करना इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देना। मैंने कहा चलो मुझे ये काम नहीं करना, मतलब आपने उस चीज को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये होता है रिपील करना या अबॉलिश करना या कैंसिल करना, पूरी तरह से रद्द कर देना, समाप्त कर देना। अब्रोगेट, अब रो गेट। मेरा भाई है पेपर देने गया, मैंने पूछा भाई रो क्यों रहा है, अब वो गेट पर बैठ के रो रहा है उसी सेंटर के जहां पर उसका एग्जाम था, उसने कहा मेरा पेपर अबॉलिश हो गया है, मेरा पेपर अब्रोगेट हो गया, इसीलिए मैं अब रो रहा हूं गेट पर बैठ के। तो वो बंदा गेट पर रो बैठ करके रो रहा है, अब रो गेट, अब वो गेट पर बैठ के रो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका पेपर क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, क्या हो गया है, रद्द कर दिया गया है, समझ गए। तो रद्द कर देना मतलब अब्रोगेट याद हो जाना चाहिए। अब्रोप्टली एक एडवर्ब होता है, ये वर्ब होता है, वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ये भी आपका वर्ब की तरह, ये आपका एडवर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होगा जरा समझ लेते हैं। देखो यहां पर अब्रप्ट जानते, अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अब्रप्ट का मतलब होता है एकदम बेकार तरीके से, और अब्रप्टली होता है सडनली, मतलब अचानक से, एक तरह से आप बोल सकते हैं कुछ भी ऐसा जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी है, और थोड़ा सा नेगेटिवली, जैसे मान लो कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो गलत हो गया है उसको आप कहोगे कि सडनली कुछ भी आपके साथ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होती है। तो अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, यानी कि एक का एक मतलब तुरंत, इंस्टेंटली, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के, इसको कहा जाता है सडनली, यानी कि अचानक से, अब्रप्टली, तुरंत, इंस्टेंट, अचानक से, ठीक है, ऐसा होता है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो ऑब्जर्व जानते होगा अगर, तो ऑब्जर्विंग भी जानते होंगे। ऑब्जर्व का मतलब जानते हो, किसी चीज को क्या करना, ऑब्जर्व करना, समझ रहे हो, ये होता है किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब अपनी तरफ ले रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, मतलब चीजों को ग्रहण कर रहे हो। तो ऑब्जर्व जो होता है ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ऑब्जर्व ओनली, यहां तक। इसका मतलब होता है ऑब्जर्व अलग चीज होती है, ऑब्जर्व होता है किसी चीज को अपनी तरफ खींच लेना, जैसे पानी को जो सूरज होता है अपनी गर्मी से अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है, एक ऑब्जर्व होता है वो अलग होता है। ऑब्जर्व मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ठीक है, गौर करना किसी चीज पर। एक होता है ऑब्जर्व मतलब सोख लेना, इसका मतलब होता है सोखना, वैसे सोख लेना या सोखना किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। और ऑब्जर्विंग मतलब ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चीज को अपनी तरफ लेती है, इंटरेस्टिंग, आप बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति उस काम में इंटरेस्टेड है, तो आप कहोगे कि भैया ये क्या है, इंग्रोसिंग है। इंग्रोसिंग का मतलब जानते हो, दिलचस्पी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज में दिलचस्पी ले रहा है, तो आप उस चीज को क्या कहोगे, ये चीज कैसी है, इंग्रोसिंग है, एब्जॉर्बिंग है। एडजेक्टिव की तरह नाउन के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो एब्जॉर्बिंग और एंग्रोसिंग क्या हो जाएंगे, दिलचस्प या इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं। एक होता है ऑबिस्मल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेडली पूछा गया वर्ड है। ऑबिस्मल का मतलब होता है बॉटमलेस, एक तो इसका मतलब होता है अथाय, जिसकी कोई थाय नहीं है, इतना गहरा है हद से ज्यादा, बॉटमलेस, जिसका कोई छोर ना हो, बेबुनियाद, बेबुनियाद मतलब जिसका कोई छोर ना हो। और एक होता है इसका दूसरा मीनिंग वेरी बैड, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है वेरी बैड, यानी कि बहुत बुरा। दो मीनिंग होते हैं इसके, याद रखना,
एक तो होता है बहुत बुरा और दूसरा होता है बॉटमलेस यानी कि अबिस्मल, क्लियर। अच्छा एक होता है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज क्या होते हैं भाई से, ये तो आप जानते हैं, सहायक सामग्री। एक्सेसरीज मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको एक्स्ट्रा जरूरत है, जैसे बाइक है, बाइक एक्सेसरीज जानते हो, बाइक में जो चीजें आती हैं जिनकी जरूरत होती है वो तो कंपनी लगा के देती है, कुछ आपको अपनी तरफ से लगानी होती है कि हमें इसमें लाइट लगवा ली या कुछ भी लगवा ली, तो उसको कहा जाता है एक्सेसरीज, मतलब एक्स्ट्रा सामग्री, एक्स्ट्रा चीजें। खीर बनाने के लिए चावल, चीनी और दूध चाहिए, लेकिन हम उसमें क्या क्या डाल देते हैं, उसको खीर नहीं कुछ और दूसरी मिठाई बना देते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ भी एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा सामग्री। तो इस तरह से हमने चार स्लाइड के अंदर कितने वर्ड्स देख लिए भाई, चार तिया बारह दूनी चौबीस, बारह दूनी चौबीस प्लस वर्ड्स, यानी कि लगभग देखो कई कई एक में दो हैं तीन हैं सिनोनिम ऐसे भी दे रखे हैं। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, लगभग एक छोटी सी क्लास के अंदर आपने 25 प्लस वर्ड्स या एटलीस्ट 20 वर्ड्स तो आपने पढ़ी लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो अभी के अभी फटाफट से, और कमेंट करके बता दो कैसा लगा वीडियो। कोई मांगे तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी प्लेलिस्ट, सारी की सारी पीडीएफ एक साथ अपलोड हो जाएंगी आज ही, ठीक है, देख लो जाकर के, तीन पीडीएफ एक साथ अपलोड कर रखी मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच, कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो, ठीक है, बाय बाय।